तो आज के वीडियो में मैं जाने वाला हूँ अपने कॉलेज और वहां पर जाके किसी एक रैंडम स्टूडेंट के साथ करने वाला हूँ 1v1 कस्टम फ्री फायर में। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट भी है। अगर मैं उस गेम में हार गया तो मुझे उसे खिलाना पड़ेगा समोसा, और अगर मैं जीत गया तो वो मेरे चैनल को करेगा सब्सक्राइब। अब ये जानने के लिए कि मैं हारा या जीता तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, और वीडियो के मिडिल में आपको मिलेगा और एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट। तो यहाँ पर पहली बार में ही मैंने एक बंदे को ऐसे पूछा और वो राजी हो चुका है मेरे साथ 1v1 कस्टम खेलने के लिए, जो कि है एक स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ता है आई थिंक, मे बी मैं गलत ना हूँ। और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बॉयज़ ओवर, क्योंकि ये है हमारा बॉयज़ कॉमन रूम जहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा शोर, क्योंकि यहाँ पर एक दो बंदे नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स से, जिसके लिए मुझे बॉयज़ ओवर करना पड़ रहा है। फिलहाल अभी हम लोगों ने कस्टम वगैरह बना के और यहाँ पर कर दिया है हमने स्टार्ट। अभी हमारा पहला राउंड शुरू हो चुका है और मैंने लिया है अपना गन वगैरह सब कुछ और वेस्ट अपडेटर बाकी सब कुछ जो भी एसेंशियल चीज़ें है वो सब लेके मैं रेडी हो चुका हूँ गेम को स्टार्ट करने के, मैं तैयार हो चुका हूँ फाइट करने के लिए। और यहाँ पर टाइमर ख़त्म होने का इंतजार करते हुए भागा दौड़ कर रहा हूँ। उसी वक्त मैं देखता हूँ कि मेरा थोड़ा पिंग हाई है, लेकिन कोई नहीं, देखा जाएगा, जो कि आप गेम में भी देख सकते हो। गेम प्ले में पहले भाई 73 वगैरह पिंग मार रहा था, और जैसे मैं वहाँ पर उसके पास जाने लगा तभी देखो मेरा पिंग हाई होने लगा। इसलिए मेरा कैरेक्टर कभी आगे जाता है तो कभी पीछे आ जाता है, जो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया और मैं निकल चुका उसके साथ, मतलब 1v1 में आमने सामने। और जहाँ पर मैं जाते ही भाई फायर करने लगा, लेकिन भाई वो बंदा अपना मुंडी नहीं दिखा रहा था, इसलिए मैंने फ्लैश वगैरह यूज़ किया और थोड़ा आगे की तरफ झुका, तो तभी मैं देखता हूँ कि वो बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से रश करके मेरा एचपी कर दिया पूरा लो। और यहाँ पर मैंने किया है सबसे बड़ा गलती, मैंने अपना हील नहीं करते हुए उसके ऊपर रश कर दिया। वो अंदर बैठ के हील कर रहा था लेकिन मैंने नहीं किया, इसलिए मेरा एचपी था बहुत ही लो और उसने एक ही शॉट में वन टैप मार दिया, और बाकी बॉडी शॉट भी मारता तब भी मैं मर जाता, लेकिन वन टैप से उसने मेरे को पहले राउंड में ही हरा दिया। सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है और ये राउंड मतलब टोटल राउंड 4 है, जो भी पहले 4 राउंड कंप्लीट करेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि भाई दोनों के पास ही टाइम नहीं था क्योंकि मेरा क्लास था उसके बाद, जिसके लिए मैंने 4 राउंड का मैच रखा था। और अभी यहाँ पर देखो सामने वो आता है, लेकिन मैं वन टैप मारने की ट्राई कर रहा था डेजर्ट एगल से, वो अलग बात है कि मेरे से वन टैप नहीं लगता, पता नहीं क्यों, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से रश करके मेरे ऊपर भाई मेरे को एक झटके से ख़त्म कर दिया, और फिर से वो राउंड जीत चुका है। इस मोमेंट से मेरे को भाई बहुत अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि भाई क्या यार, इतना पुराना प्लेयर हो कि भाई एक बंदे को ऐसे मार नहीं पा रहा हूँ, एक भी राउंड निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं कैसे, मेरे को खुद को भी नहीं पता था। तो मैं किसी भी हाल में चाहता था कि और एक राउंड निकल जाए, लेकिन मेरा पिंग तभी फिर से हाई हो जाता है, तो ऐसे कुछ एडजस्ट वगैरह करके देखता हूँ पिंग फिर से सही हुआ तभी मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ जाना, देखिए तभी देखता हूँ कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैंने सोचा भाई नीचे ही चला जाता हूँ। बाय द वे मैं अगर फाइट करता हूँ तो ऊपर की तरफ फाइट करता हूँ, लेकिन वो बंदा भाई नीचे से चलता है, वो अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा था, तो मैंने भी अपना स्ट्रेटेजी यूज़ करते हुए उसके सामने गया। तभी मेरे से भाई ग्लोअल वगैरह ठीक से नहीं लग रहा था, और क्या भाई मैं इतना घटिया खेला उस मोमेंट में ना, मैंने ऐसा ग्लोअल लगाने का ट्राई किया लेकिन भाई मेरे ग्लोअल लगा ही नहीं, और उसने फिर से मेरे को मार दिया। और इस मोमेंट में मेरे को मेरे ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना भाई, क्या यार भाई इतना ज़्यादा पुराना प्लेयर होने के बावजूद एक प्लेयर से भाई ऐसी बुरी तरह हारना भाई मेरे से भाई बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने सोचा भाई लास्ट राउंड ही एक राउंड एटलीस्ट निकाल लूँगा। मैं फिर से रेडी हो चुका हूँ उसकी तरफ जाने के लिए। यहाँ पर ग्लोअल में जो नया मोड है इसको यूज़ करती हूँ, मतलब इसको फोड़ते हुए मैं आगे की तरफ निकल गया हूँ, और अभी देखता हूँ कि वो सामने की तरफ अभी ग्लोअल फूट के आ ही रहा है, तो मैंने भी सामने से आकर सीधा वार करने की कोशिश कर रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि वो बंदा भाई वहाँ पर बैठ के कुछ तो कर रहा है, तो मैं ही भी यहाँ पर एक टाइप से भाई कैंपिंग नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ पर ही होल्ड करके रखा हूँ। फिलहाल वो बंदा मेरे ऊपर रश कर दिया है, तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि वो उस बंदे को मैं एटलीस्ट थोड़ा डैमेज दूँ। और अभी यहाँ पर इस बंदे ने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे को मारा, और मेरा भाई ग्लोअल और भाई ये पैक होने का तरीका थोड़ा कैजुअल निकला, जिसके कारण उसने भाई मेरे को फिर से मार दिया, और 4 राउंड से वो बंदा मैच जीत गया। और ट्विस्ट ये है कि मैंने सोचा था कि मैं वो गेम हार जाऊंगा एक दो राउंड जीतने के बाद, लेकिन वो प्लेयर निकला बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने गेम खेला, जिसके कारण मेरे जैसे नूबड़े को उसने 0 से हरा दिया। बाकी 4 राउंड का गेम था और 4 राउंड बहुत ही आसानी से उसने खेला और बहुत ही हेडशॉट मारा था, जो कि आप वीडियो में देख चुके होंगे। तो अभी मैं वादे के अनुसार जा रहा उसको समोसा खिलाने, लेकिन वादे के अनुसार पार्टी हो रही है भाई। अभी मैंने वादे के अनुसार उसे खिला दिया समोसा, और उसने भाई खुश होकर मेरे चैनल को भी कर दिया सब्सक्राइब। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो देखने मजा आया होगा, अगर मजा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन टाटा बाय बाय।